सो यो भाई गाइस वेलकम बैक। तो यार आज हम खेले जा रहे हैं माइनक्राफ्ट लीव्स आर सुपर ओपी। ओके तो अपन स्पॉन भी हो गए और लीव्स यहाँ बगल में ही लगी हुई है। चलो इसे यहीं से माइन कर लेते हैं। ओके तगड़ा तगड़ा आइटम मिल रहा है। ले भाई डायमंड अभी से मिल गए। हाँ प्रोटेक्शन 2 है इसमें, रेस्पिरेशन ब्रेकिंग 3, इसमें कर्स ऑफ वैनिशिंग है यार, फिर मैं उतार नहीं पाऊंगा तो इसे छोड़ो अभी। लेगिंग्स पहन ले रहे हैं और ये मिल गई, स्टोन वगैरह माइन करने के काम आ जाएगी यही। और माइन करके देखते हैं कुछ अच्छा मिल जाएगा। यार मैं तो सोच रहा हूँ कि थोड़ा बहुत ओपी हो गई तो कुछ ज्यादा ही ओपी है सब। इसमें प्रोटेक्शन 2 है, इसमें ब्लास्ट प्रोटेक्शन 4 है, इसमें एफिशिएंसी 3, इसमें एफिशिएंसी 4 से फेंक दो। फायर प्रोटेक्शन 4, अनब्रेकिंग 3, ये पहन लिया। एफिशिएंसी 4, अनब्रेकिंग 3, एफिशिएंसी फॉर्चून मेंडिंग इसे ही फेंक दो। कर्स ऑफ वैनिशिंग ये भी हटाओ। भाई ये सब में कर्स क्यों डाल के दे रखा है। फेंको इसे। फायर प्रोटेक्शन हेलमेट, इसमें फायर प्रोटेक्शन 4, अनब्रेकिंग 3 है, इसमें अनब्रेकिंग 3 सेम सेम है भाई, सेम सेम एंचेंटमेंट वाली। ये तो प्रोटेक्शन 3, अनब्रेकिंग 3। फायर प्रोटेक्शन काम की नहीं होगी, जो ओवरऑल प्रोटेक्शन है ना वो बढ़िया है। इसमें प्रोटेक्शन 3 है सिर्फ, इसमें फायर प्रोटेक्शन अनब्रेकिंग 3 है। मेंडिंग और प्रोटेक्शन 4 ये पहन लो। डायमंड का ऑलमोस्ट पूरा हो गया अपना, एक कर्स ऑफ वैनिशिंग से हटा दो। ब्लास्ट प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन 2 है, इसमें ब्लास्ट प्रोटेक्शन 4 है, इसे बेटा उसे बेटा। इसमें अनब्रेकिंग 3 और इसमें सिल्क टच और अनब्रेकिंग 3 दोनों है, तो ये लगा लेते हैं। इसमें एफिशिएंसी वगैरह ये रखते हैं, रख लेते हैं, अगर काम आई तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। चलो और तोड़ते हैं। चलो इसमें दुनिया का सामान तो आ गया, लेकिन अभी पता तो चले इनमें से कि कौन क्या क्या बढ़िया मिला है। देखो सैडल एक रखूंगा मैं, दो नहीं। और डायमंड फिर इसे हटा दो, इसे बैठा दो, इसे बैठा दो। डायमंड एक स्टैक से ज्यादा हो गए, चलो पड़े रहने देते हैं। अनब्रेकिंग 3, अनब्रेकिंग 3 और ब्लास्ट प्रोटेक्शन इसे पहनो फिलहाल। अनब्रेकिंग 3 इसमें, इसमें फॉर्चून और एफिशिएंसी 4 से हटाओ। कर्स ऑफ वैनिशिंग इसमें कोई दिक्कत नहीं, कर्स इसके अंदर सिल्क टच अनब्रेकिंग 3, इसमें अनब्रेकिंग 3 और एफिशिएंसी 4 है, ये ले ले ये रखते हैं। और इसको भी यही रखते हैं। सैडल दो दो तीन तीन दुनिया भर की है। अनब्रेकिंग 3 हटाओ, फॉर्चून 3 अनब्रेकिंग, एफिशिएंसी 4 ये भी हटाओ। आयरन इंगट ये रख लेते हैं। यार एक कर्स दुनिया भर के लगे हुए हैं, देखो कर्स ही कर्स है सब में, इसमें ही है। चलो इसमें भी कर्स और बाइंडिंग है। गोल्ड इंगट रखते हैं, रख लेते हैं इसे। डैम प्रोटेक्शन 3 से हटाओ, एफिशिएंसी 3 है और इसमें सिल्क टच है। सिल्क टच मैंने ऑलरेडी एक पिकेक्स रख ली, सिल्क टच वाली इसे हटाओ, ये भी हटाओ। ज्यादातर इसमें कर्स वाला आइटम मिला है मुझे, इसे पहन लेते हैं। समथिंग इज बेटर देन नथिंग, लूटिंग 3, 7 का डैमेज है इसमें, 7 का, ये सब में 7 का। नॉकबैक 2 है इसमें और इसमें लूटिंग 3 और नॉकबैक 2, इसे भी हटाओ। 8 का इसमें भाई, इसमें शार्पनेस 3 है ना। चलो कोई ना, इसमें एफिशिएंसी 4 और अनब्रेकिंग 3, और मेरी में एफिशिएंसी 4 है और फॉर्चून 3 है इसमें, तो अनब्रेकिंग रखते हैं, काम आ जाए शायद। दो दो नहीं चाहिए, चलो निकलते हैं अब बाकी यहाँ से। काफी अच्छा खासा सामान हो गया, तो अभी मेरे को थोड़ा सा ना वुड की जरूरत है। तो वुड तो यार वुड तो चलो खैर मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मेरे को यार पिकैक्स नहीं मिली। पिकैक्स मिल जाती तो सही रहता, तो मैं अच्छे से वुड तो भी माइन कर लेता। पिकैक्स दिख ही नहीं रही एक भी मेरे को। काम करता हूँ मैं, दो चार ऐसे ही माइन कर लेता हूँ। डायमंड तो है ही मेरे पे, मैं बना लूंगा एक पिकैक्स और क्या। पिकैक्स नहीं, एक्स। मेरी इन्वेंट्री भर गई। प्रोटेक्शन 3 है इसमें, वो क्लॉक रखते हैं। चलो आप बन जाएगी इससे, ये बन गया प्लैंक्स। और एक इससे क्राफ्टिंग टेबल, क्राफ्टिंग टेबल को लगा के यहाँ पे दो स्टिक बना लेते हैं इससे, और स्टिक को यहाँ पे लगाओ तो एक एक्स बन जाएगी। डन, ये बन गई अपनी एक एक्स। और मैं साथ में और तो कुछ भी जरूरत नहीं बनाने की। चलो थोड़ी सी वुड माइन कर लेते हैं इसी से। आज ना मेरे को बिल्कुल क्रिएटिव वाली फीलिंग आ रही है, क्योंकि यार देखो भाई 5-10 मिनट भी नहीं होंगे मुश्किल में, और यार मैं ऑलरेडी डायमंड कारबार बना के कंप्लीट कर चुका हूँ, वो भी इंचेंटेड पूरा, और ऊपर से सारे वेपन भी हो गए डायमंड के पूरे मेरे पे। और मैं 10-5 मिनट खेलूंगा ना तो मेरे पे वो भी कंप्लीट हो जाएंगे डायमंड के। ब्लास्ट प्रोटेक्शन 4 और इसमें मेंडिंग है मेरे वाले में, प्रोटेक्शन 3 और अनब्रेकिंग 3 है। मेंडिंग वाला पहन लूँ क्या? नहीं छोड़ो, मेंडिंग और मिल जाएंगी, बतेरी मेंडिंग पड़ी है यहाँ वैसे भी। चलो अपने को ओ क्लॉक मिलेगा, बहुत बढ़िया। और यार अपने इकलौता गोल है कि अपने को ड्रैगन को पटक पटक के मारना है। थोड़ा सा खाना भी जुटा लेते हैं, रास्ते में काम आएगा। प्रोटेक्शन 3 और डेप्थ स्ट्राइडर इसमें आएगा, ब्लास्ट प्रोटेक्शन 4 है तो ये ले लेते हैं। एटलीस्ट प्रोटेक्शन 3 तो है इसमें, प्रोटेक्शन 3 और अनब्रेकिंग ये लगा लेते हैं। डन, चलो यहाँ आसपास कहीं पहाड़ वगैरह भी नहीं है, ऊपर से ज़ॉम्बीज वगैरह आए जा रहे हैं। अरे मरो ना यार, मर क्यों नहीं रहे हो भयंकर, ये तो मारना बड़ा मुश्किल है इन्हें। मेरी इसमें इसके अंदर 9 का डैमेज है और इसके अंदर मात्र 8 का। अच्छा हाँ, जावा के अंदर अपने इसके अंदर ज्यादा डैमेज रहता है एक्स में। चलो कोई दिक्कत नहीं, अभी अपन चलते हैं यहाँ से। और ऊपर से हेल्थ भी डाउन हो रखी है अपनी, और अपने पास कुछ है भी नहीं काम का। लो भाई विलेज सामने ही है, बहुत बढ़िया। और ये दूसरी ये वाली बायोम भी है भाई। स्केलेटन मान जा, मैं मारूंगा तो तुझे, रुक जा, तेरे को ही खत्म करूं पहले। दिमाग खराब कर रहे हो फालतू में, चलो निकलो। आई बालक, बालक है ये परेशान करता है चिल्लर।
अब मैं इन दोनों को निपटाऊंगा तब तक और इनके रिश्तेदार आ जाएंगे दूर से। फायर प्रोटेक्शन 4 है, इसके अंदर एफिशिएंसी 5, कर्स ऑफ वैनिशिंग फ्लाइंग इग्नाइट, तो ऐसे एक तो दुनिया भर के कर्स मिले जा रहे हैं मेरे को, जो भी वेपन लो कुछ भी लो कर्स ही कर्स है सब में। अच्छे आइटम तो ना के बराबर मिल रहे हैं। एफिशिएंसी 3, फॉर्चून 3, मैन ब्रेकिंग बैंकर, दुनिया भर का तो आइटम है यहाँ पे। ले भाई क्रीपर आ गया, चलो इसको भी खत्म करवाते हैं स्केलेटन को। फूट फूट फूट, अरे फूटना यही आगे फूटेगा कति, क्यों दिमाग खराब कर, फूट फूट। चलो स्केलेटन डैमेज हुआ होगा हल्का फुल्का। ले ये तो चला गया गड्ढे में। अरे रुक जा काओ, और कहाँ पे एक ये रही शीप, तू मरा नहीं अभी, अभी तो गड्ढे में छोड़ के आया मैं तेरे को, निकल यहाँ से। परेशान कर रहा है, कह रहा मर जा, मान ही नहीं रहा बात। थोड़ा बहुत खा लेता हूँ क्योंकि अभी कमी हो रही है खाने पीने की। सिलेंडर मैन भी यही बगल में ही खड़ा है। आ गई कार्टून आ गई है, मर जा निकल जा यहाँ से। अरे निकलना क्यों दिमाग खराब कर, एक तो इसका मकड़ी का ये सीन है ना कि अपने ऊपर ही क्लाइम कर जाती है। मेरे को ना स्ट्रिंग ले लेनी चाहिए, अपने बो बनाने के काम आएंगे। निकल यहाँ से, मैं फेंक देता हूँ बेना फार्थोपोड्स वाली स्ट्रिंग, ले लो स्ट्रिंग काम आएगी अपने। देखो भाई यार वो भी आयरन की सोड लेके स्पॉन हुआ है, ये आयरन की सोड के साथ गंदा डैमेज देगा, तो इससे आप भिड़ जानी है फिलहाल अपने को। चल निकल यहाँ से, तू भी निकल, तू भी निकल, निकल यहाँ, फालतू में दिमाग खराब ना करो, भंडारा नहीं चल रहा। किसी एक जानवर को ज्यादा मारूंगा ताकि मेरे को वही वाले आइटम ज्यादा मिल सके, जैसे सीप और काऊ मेरे को ये दोनों ज्यादा मिले हैं, इससे ना अपने को फूड ज्यादा अच्छा आइटम मिल जाएगा। ये बच्चे को छोड़ देते हैं, इससे वैसे कुछ नहीं मिलने वाला। आज यहाँ पे ये भी दो तीन काऊ और हैं, बस ये दो आखिरी की काऊ में निपटा के जा रहा हूँ बस। अरे रुक जा काऊ, अरे रुक जा, चलो सो जाते हैं अब और क्या, गुड नाइट। यहाँ पे मैं पहले कचरा सामान फेंक देता हूँ अपना, इसे फॉर्चून है और इसके अंदर कर रहा ये मेंडिंग है, मेंडिंग वाली रखू, अनब्रेकिंग 3 भी तो है, फालतू में मेंडिंग बर्बाद होगी इसमें लग के। और क्या क्या है बेकार सामान, फॉर्चून 3, अनब्रेकिंग 3 हटाओ, अनब्रेकिंग 3 ये भी हटाओ। ओके ओके चलो खाना पका लेते हैं अपना। मैंने अभी माइनिंग नहीं की, मैंने थोड़े से स्टोन माइन कर लेता हूँ। चलो इतने स्टोन बहुत है और ऑलरेडी 4-5 और कर लेता हूँ, 2 स्टैक तो भी हो जाएंगे फिर। चलो 3 स्टैक है, मैं और माइन नहीं कर रहा यार, बार बार स्टैक के चक्कर में समय बर्बाद हो रहा है। इसको यहाँ लगाओ और इससे बना लेते हैं अपने लिए एक फर्नेंस। डन, ये बन गया फर्नेंस। अभी कोल मिला ही नहीं यार, मेरे को कोल भी तो जरूरी है, मैं खाना पकाऊंगा कैसे। लो भाई अभी भूख लगने लग गई, वुड है और वुड में बर्बाद करना चाहता नहीं हूँ। चलो ये रहा कोल, कोल का नाम लिया, कोल हाजिर हो गया। वैसे कोल तो यार नॉर्मल चीज है, कहीं भी इधर उधर पड़ा हुआ मिल जाता है। मैं फॉर्चून वाली से माइन करूं, इसमें सिल्क टच अनब्रेकिंग है, फॉर्चून वाली कोई सी है नहीं, फॉर्चून 3 इससे माइन करते हैं, शायद से ज्यादा मिल जाए, ट्राई करने में क्या जा रहा है कि नहीं। इसमें मेरे को मिल गया 33, आई थिंक ठीक है इतने। चलो निकलते हैं यहाँ से अब अपन। अरे ये कैसी जगह है भाई, यहाँ मैं आया था क्या पहले, रूट तो ये माइनिंग हुआ पड़ा है, शायद से मैं आया था लेकिन मैं ही भूल गया, हो सकता है कुछ भी हुआ हो। चलो यहाँ गोलों को खत्म कर दे रहे हैं, और मेरे को और थोड़ी सी अभी लीव्स माइन करनी है ताकि मैं और अच्छा अच्छा आइटम ले पाऊँ। गोलम निकल, ओ भाई साहब यार नॉक बैंक क्यों नहीं लगा इसे, मैं तो सोचा नॉक बैंक लग जाएगा कोई दिक्कत नहीं आएगी फिर। आजा भाई कॉलम, क्या दिक्कत है, आजा 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 ना आजा, क्या दिक्कत है, लग रहा है 2-3 ब्लॉक नीचे चला गया। भागो भागो भागो, मैंने खुद ही उसको फालतू में बचा लिया, वो मुझे नहीं छोड़ेगा। हाँ मेरे पीछे, अरे यार फिर से वो गुम हो गया, कैसे गोला में यार, मैं आयरन लेने की सोच रहा था। एक मिनट भाई, मेरे पास 1 स्टैक से ज्यादा आयरन है, मैं फालतू परेशान हो रहा हूँ, क्या बेच रहा गरीब विलेजर, ब्रेड दे दे 8-10, मेरे पास जगह कम पड़ गई। रुक जा एक सेकेंड, क्या फेंकू, सब काम का चीज है यार। चलो अब एमराल्ड खत्म हो गए, तू क्या बेच रहा है, तू भी सेम ही चीज बेच रहा है गरीब। चलो यहाँ इसके अंदर थोड़ा सा काम चला लेते हैं, अभी यहाँ लगा देते हैं फर्नेस, उसमें पकने के लिए डाल देते हैं खाना। एक स्टैक ये पका लूँ और एक ये पका लूँ बस, और कुछ नहीं पका रहा हूँ फालतू में। और मैं चल थोड़ी सी ना वो माइन करके आता हूँ, मेरे को कुछ अच्छा मिल जाए लीव से और बढ़िया, तो और ये अच्छी बात है। और मेरे को यार बो भी बनानी है क्योंकि मैं ड्रैगन को मारूंगा तो बो की भी जरूरत, तो फिर स्ट्रॉन्ग होल भी ढूंढना। चलो इसे निपटा के देखते हैं एक बार, नाराज तो नहीं है मेरे से, नाराज है ब्रो। चलो अब आ जाओ मेरे पीछे पीछे आ जाओ जल्दी जल्दी, चलो अब नहीं आ पाएगा ये, चल चल तेरे बस की नहीं है। एक मिनट में इस तरफ चला जाता हूँ क्योंकि ये मेरे को मार, नीचे आ जा, चला अब ठीक है, अब ये कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा मेरा, यहाँ से मेरा हाथ ही नहीं पहुँच रहा। चलो खत्म कर दिया इसे, जरूरत नहीं थी पर फिर भी खत्म कर दिया। अभी मैं थोड़ी सी लीफ माइन कर लेता हूँ, और वो वाली मैंने लीफ अभी खाली ओक और वो वाली माइन की थी, तो अभी देखते हैं क्या उससे अच्छा मिल सकता है कुछ। इन वाली लीफ में ट्राई करता हूँ, मुझे इन लीफ का याद ही नहीं कि भाई मैंने कब माइन की थी ये।
अरे भाई ये कब गिरे भाई, ये दोनों चीज कब गिरे यार, मेरे को पता ही नहीं लगा इनका। इसे फेंको वहाँ, लैपिस लेजुली किसी काम की नहीं है, पूरी जाए यार। गोल्ड नगेट भी नहीं चाहिए, आयरन नगेट ऑलरेडी बहुत सारे हैं, फिर से हटाओ ये भी। एमराल्ड, एमराल्ड रखे रहते हैं, उसके काम आ जाएंगे कभी अपन ट्रेडिंग वगैरह करेंगे तब। और वुल मैं 2-3 बना लूंगा, फिर बाकी की फेंक दूंगा। बोटल फिन चैंडिंग फेंक दो, एंड पोटल फ्रेम मिल गए, ठीक है। लेदर हटा दो, क्या काम की नहीं है। और आई ऑफेंडर और कुछ है इधर काम का? और कुछ भी नहीं है, डन। तो मतलब कि इन वाली लीव्स में अपने को एंड वाला सामान मिलता है। और फिर दूसरी लीव ये तो मैंने ओक वाली आई थिंक माइन कर ली थी। और कोई अलग से लीव है यहाँ पे जो मैं माइन करूँ, या फिर इन्हीं में मैं ग्राइंड करता रहूँ, किसी में तुक्के में गिरी जाए? इसमें दो अलग अलग लीव्स मिक्स हुई पड़ी है, क्योंकि ये दो बायोम के बीचों बीच खड़ा है ना। वहाँ पर वो व्हाइट वाले पेड़ देख रहे हैं, उन्हें थोड़ा सा माइन करके देखते हैं। इसमें सामान तगड़ा तगड़ा लग रहा है मेरे को। ओके ओ भाई साहब, एरो 1 मिनट, इसे फेंको। एंचेंटेड गोल्डन एप्पल इसे दबा लात में रखते हैं। फायर प्रोटेक्शन हटाओ, ये भी नहीं चाहिए, ये भी नहीं, ये भी नीचे आई है, ये भी नहीं। नॉट यू ऑल्सो, परे हटो, परे हो, ये सब हटाओ। थ्रोन्स 2, 1 मिनट। आर्मर वाला मैं इस तरफ, भाई साहब दुनिया का आइटम लगा दिया मैंने, मेरा गेम ही क्रैश ना हो जा। ये भी हटाओ, क्राइंग ऑप्शन हटाओ। मेंडिंग नहीं चाहिए, ब्लास्ट प्रोटेक्शन ये भी नहीं चाहिए, लूटिंग 3 नहीं चाहिए, मैगमा भी नहीं चाहिए, ब्लॉक ऑफ आयरन। तो फिर मैं एक आयरन स्टैक फेंक दे रहा हूँ। पावर लेवल भाई साहब, अब मेरा ना वैसे भरोसा उठ गया है इस वाली ली, अब मेरे लीड्स से भरोसा उठ गया भयंकर, कब क्या चीज़ दे दे ये। और यहाँ पे ये रही है रोज, ये भी जल्दी उठा ही लेते हैं। बाकी की चीज़ें से चलो बाद में, नीडराइट स्क्रैप हटाओ, ये भी मैंडिंग, ये भी हटाओ। तो फिर ये आ गए, चलो ये भी आ गए, बहुत सही। ये एक स्टैक फेंक दो, फिर ये भी फेंक ही देते हैं, क्या काम के है। डायमंड बूट ये भी हटाओ, एंशिएंट डेब्रिस रखते हैं, बाद में अगर अपग्रेड करने का मन करा तो मैं कर लूंगा। 2 ये भी फेंक दो, डायमंड स्वॉर्ड, स्पेक्ट्रल एयर 53, एक स्टैक आई थिंक इनफ है, मेरे को ज्यादा की जरूरत है नहीं, पर फिर भी थोड़ी सी और देख लेते, कुछ अच्छा मिल जाए सामान में तो। ऐसे हटाओ, ये भी हटाओ, ये भी हटाओ, ये भी हटाओ। हाँ चलो, और में काफी सारी चीजें हैं वैसे, लेकिन आई डोंट थिंक कि मेरे मतलब का कुछ भी है। 3 एप्पल, लो बिट्टे मजे आ गए। अब तो चलो जो भी था सो अपन ने उठा लिया, और अभी अपन यहाँ से जा रहे हैं। चलो डन, अभी मैं जा रहा हूँ यहाँ से, और मैं अपनी एरो को बाहर निकाल ले रहा हूँ, इसको सामने रखो, डन। अब आ जाओ, कौन बिड़ रहा है? हाँ ये स्पेक्ट्रल एरो है ना, तो मैं अगर मारूंगा तो उसके चारों तरफ बॉर्डर सी बन जाएगी। वैसे इसमें 255 का डैमेज है, तो कोई भी मॉब मेरे आगे टिक तो नहीं पाएगा। खैर देखो ये आ गई, आजा आजा निकल यहाँ से। अपने पास ये एंड वाले फ्रेम वगैरह पड़े, चलो जल्दी से चल के बना भी लेते हैं अपनी वो एंड वाली। तो चलो जल्दी से चल के अपनी एंड पोर्टल ये बना ले रहे हैं। ओ भूख लग गई, चलो इतने बन गए, इतने रख लेते हैं, बस बहुत है। चलो यहाँ से अपन लोग चलते हैं जल्दी से, और एक यहीं पे पोर्टल बना ले रहे हैं। पोर्टल का सामान बाहर करो, मैं काम करता हूँ, चेस्ट भी बना ही लेता हूँ छोटी सी। क्राफ्टिंग टेबल कहाँ है? क्राफ्टिंग टेबल को बाहर निकालते हैं, अभी इसमें बना लेते हैं प्लैंक्स सारे। चलो ये बन गए चेस्ट, 2 बना ले चाहिए थी मेरे को चेस्ट। इसमें सामान डाल देते हैं जो कि काम का नहीं है, ये डायमंड वगैरह हमारे क्या ही काम आने वाले हैं वैसे भी। ये बेन ऑफ फार्थ पोर्ट वगैरह सब यहीं छोड़ दो, जो काम की चीज नहीं है उन्हें ले जाने का कोई मतलब नहीं बनता। डन ठीक है, ये सब छोड़ देते हैं और चलो निकलते हैं यहाँ से। अब ये सारा सामान हाथ में आ जाएगा, अभी आ गया, ये भी हटाओ, अरे इसको रखते हैं बाहर। चलो ये भी रख देते हैं, ठीक है बस डन हो गया। अभी अपन चलते हैं यहाँ से, अभी बना लेते हैं यहीं पे पोर्टल, ये लगा देते हैं सब। ओहो, अभी मैं डायरेक्ट अंदर चला जाता। चलो यहाँ से टेबल लेके चलते हैं अंदर, अगर कुछ जरूरत पड़ी तो बना लेंगे। लेट्स गो यार, ऊपर ही स्पॉन कर देते मुझे। चलो खैर कोई ना, अपन ऐसे ही चले जाएंगे। टोटा मिल जाता ना तो वो सही रहता, मैं एंचेंटेड गोल्डन एप्पल लेके घूम रहा हूँ। ऊपर से सारे दुनिया भर के एंड मैन यही बगल में लग रहे हैं। वर्षा वर्षा मत करो, मारूंगा नहीं तो। मेरे मन में ना एक प्लान आ रहा है, मैं उसको कंप्लीट करने की सोच रहा हूँ, तो इससे ना अपन ड्रैगन को बहुत जल्दी मार पाएंगे। चलो 1 मिनट, 1 ब्लॉक नीचे रहो, डन। ऊपर ही जाना पड़ेगा, बात नहीं बनेगी। ये रहा ड्रैगन, यही डोल रहा है। चलो ये हो गया, आप ड्रैगन आ जा तू हाथ में, आ जा। अरे अरे भाग रहा है, चलो कोई ना, तब तक ये नष्ट कर दे रहे हैं। हाँ हाँ डायरेक्ट ड्रैगन ने, ओहो खत्म खत्म खत्म, ऑलमोस्ट खत्म। चलो भाई चलो जल्दी से नीचे निकलते हैं। चलो और ये देखो दुनिया भर की अपनी एक्सपीरियंस आ गया, अब तो अपन इनकी शक्ल देख सकते हैं, अपने को कोई दिक्कत नहीं। आ जा जिसकी बस की है, देख लो आंखों में, आ जाओ आ जाओ भाई, मैं सबको देख रहा हूँ। आ जा जो जिसकी बस की, आ जाओ मेरे पीछे, आ जाओ इन सबको देखते हैं। तू भी आ जा ब्रो, तू भी आ जा, तुम भी आ जाओ, सब आ जाओ आ जाओ आ जाओ, हटना जाए यहाँ से। आजा 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 मेरे यार, उसने ना मेरे को धक्का दी थी, मेरा प्लान नहीं था जाने का डायरेक्ट उस पोर्टल में। और हाँ यार आई नो ये वीडियो कुछ ज्यादा फास्ट फॉरवर्ड से थी, मैं क्या करूँगा, ड्रैगन ही इतनी जल्दी मर गया मेरे से, हमारी किस्मत जोरदार थी आज की। खैर कोई नहीं यार, बाकी यार तुम लोगों को वीडियो जरूर से पसंद आई होगी, मेरे को पता है अच्छे से बात, इसलिए इसी बात पे लाइक से सब्सक्राइब कर दो बस। ओके हैप्पी बर्थडे।